What is happening in Al-Aqsa Mosque goes against international laws that protect places of worship. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Israel ka zulm Palestine ke nehte musalmanon par. Aur ye jo jang hai, isme masoom Palestini musalmanon ka, छोटे छोटे बच्चों का और औरतों का जो खून ना हक बहा रहा है इसराइल, ये तमाम उन इस्लामी ममालक के सर है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है, उन तमाम इस्लामी मुल्कों के सरबराहों के सर है इनका खून जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है। और सल्तनत उस्मानिया वाले क्या इसराइल और फलस्तीन की जंग में एंट्री देने वाले हैं, एंटर होने वाले हैं? अगर सल्तनत उस्मानिया इसमें कूदती है तो इसराइल का हशर बुरा होगा। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि मदीने का ये वाकया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आके बताया कि मुसलमानों की एक लड़की बाहर बैठी थी तो एक यहूदी ने उसका जो हजाब था, दुपट्टा था, उसका कील के साथ ज़मीन में उसको दबा दिया। जब वो लड़की उठी तो वो उसका नकाब नीचे गिर गया और वो जो है उसने मजाक उड़ाया। जब ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई जलसा जुलूस नहीं निकाला, आपने अपनी तमाम पूरी मुस्लिम फौज को हुक्म दिया मदीने से कि अबू नज़ीरा के जो महल को घेर लिया जाए, क्योंकि ये अबू नज़ीरा के कबीले का एक बंदा था यहूदी जिसने ये हरकत की थी। पूरी मुस्लिम फौज उसके किले के ऊपर चढ़ दौड़ी और वह अंदर छुप गए। तो जब तक मुसलमानों ने कहा ये बाहर नहीं निकलेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, तो काफ़ी दिनों के बाद जब बाहर नहीं निकले तो फिर इन्होंने उनकी फसलों को आग लगा दी। उसके बाद उन्होंने यहूदियों ने कहा अब तो हम मर गए, तो फिर वो वहाँ से भाग निकले। बात यह है कि इस्लाम ये दर्श देता है कि जहाँ कमज़ोर के ऊपर जुल्म हो रहा हो, जहाँ बर्बरियत हो रही हो, वहाँ सिर्फ मुसलमान का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ, इंसानियत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो उसके ऊपर फिर उसकी मदद करनी चाहिए मजलूम की जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, और जालिम को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इस्लामी जितने भी मुल्क हैं उनमें से किसी को ये जुरत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि कहीं कोई अमरीका बहादुर या इसराइल नाराज ना हो जाए। उन्होंने महमूद अब्बास फलस्तीन के प्रेजिडेंट को फ़ोन तक नहीं किया। मैं यहाँ शाबाश देता हूँ इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और शाबाश है रजब तैयब अरदवान साहब कि उन्होंने उसको फ़ोन किया है, फ़ोन करके उनको ये कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं ये कहता हूँ कि अपना फलस्तीन के कमांडर, तुर्की के कमांडो और पाकिस्तान के कमांडर और इस्लामी मुल्कों के जो कमांडोज हैं ये उधर जाए और इसराइल को मुँह तोड़ जवाब दें और इस्लामी फौज एक बनाएं। तमाम इस्लामी मुल्क जो हैं, मैंने ये सुना है कि रजब तैयब अरदवान जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं वो एक इस्लामी मुल्कों का इजलास बुलाने जा रहे हैं और वहाँ के ऊपर जो जो इसराइली एजेंट है वो खुल के सामने आ जाएगा, वो उसमें शामिल ही नहीं होंगे। और मेरा तो ये ख्याल है कि सिर्फ 3-4 मुल्क ही उसमें शामिल होंगे, क्योंकि बाकी तो आस्ता आस्ता इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है कि मुसलमानों की कमज़ोरी जो है कि तकरीबन 16 बिलियन मुसलमान जो है वो तकरीबन 16 लाख यहूदियों से दुबके बैठा हुआ है, उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो ये है कि ये मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं कि हाथ नीचे बांधने चाहिए नमाज पढ़ते वक्त या ऊपर बांधने चाहिए, मसवाक 6 इंच की हो या 9 इंच की हो, और अगला तुम्हारे हाथ काटने पे आ गया है, तुम्हारे इलाकों पर चढ़ रहा है और आप ये छोटे छोटे तफरकों में पड़े हुए हो। आप तफरकों में ना पड़े, अल्लाह ताला ने फरमाया और यक जान हो जाए, तमाम मुसलमान मालिक एक फौज बनाएं और इनको मज़ा चखाएं। अब दूसरी बात यह है कि मुसलमान साइंसदानों ने भी कोई तरक्की नहीं की। ये कुछ चंद क्लिप हैं जो कि मुख्तलिफ टीवी चैनल से लिए हैं, तो एक तो इंडिपेंडेंट से लिया है, उनका भी थैंक यू वेरी मच, और एक अरब टीवी से लिया है, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें कि उधर ये कर क्या रहे हैं इसराइल वाले, कितना जुल्म कर रहे हैं। صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد
دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اگر تھوڑا سبق لینا چاہتے ہیں تو اس طرف بھی ہماری توجہ جانی چاہیے کہ جو یہودی ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق پکے یہودی ہیں، یہودی پورا یہودی ہے، جبکہ مسلمان جو ہیں ہم قرآن کے مطابق وہ والے مسلمان نہیں رہے، ہمیں بڑا فرق پڑ چکا ہے، آپس میں مسلمان ملکوں کا اتحاد نہیں ہے، غدار یہاں زیادہ ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطینیوں کو یہودیوں کے ظلم سے بچائے، اور جو جیوز پروڈکٹ ہیں، جیوز کی جو بھی پروڈکٹ ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، جیسے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔